बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार तब तक बिहार में कोई भी सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में कई आतंकियों को पकड़ा गया है, NIA की टीम भी अब खोजबीन कर रही है, खूब पड़ताल हो रही है, कई सारे आतंकियों को दबोचा गया है। और ऐसे में PFI के जो कई संगठन के लोग थे उन्हें भी धर दबोचा गया है, पड़ोसी राज्यों में भी छापेमारी हो रही है। लेकिन BJP के बड़े नेताओं को जान से मारने की अब धमकी भी दी जा रही है। आपने बीते दिनों देखा कैसे हरिभूषण ठाकुर बचौल हो या फिर गिरिराज सिंह हो, तमाम नेताओं को जान से मारने की धमकी तक दी गई आतंकी संगठनों द्वारा। और ये कॉल क्या अन्य देशों से आ रहे हैं, जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, क्या वहाँ से कॉल आ रहे हैं? क्योंकि अब जब बिहार में भी आतंकी संगठनों ने उत्पात मचाना शुरू किया है, हालांकि पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है, NIA की टीम भी बिहार पहुंची थी और धर दबोचा गया है कई आतंकियों को, अब उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन JDU के नेताओं का इस पर क्या कहना है? क्या JDU के नेता कह रहे हैं कि बिहार पुलिस फिलहाल सक्षम है कार्रवाई जो हो रही है, क्योंकि सुरक्षा बढ़ा दी गई थी बीते दिनों BJP नेताओं की? जयंत राज जो कि ग्रामीण कार्य मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनसे जब हमने पूछा कि क्या आपको भी कॉल कुछ आ रहे हैं तो उन्हें क्या कहा है? साथ ही साथ जो लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, उनका अंजाम बुरा होना है, क्या कुछ वो कह रहे थे, जरा सुनिए। अभी तो जांच चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है, अगर इसमें कोई भी लोग जो भी दोषी पाए जाएंगे उसको सजा मिलेगी, ये मामला है। और जो भी लोग इसमें बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार है, जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उसको सजा मिलेगी। तो बिहार के कई BJP के नेताओं को खतरा बताया जा रहा है, बिहार में BJP के कई नेताओं को आतंकी खतरा बताया जा रहा है, जान का खतरा बताया जा रहा है, आप लोगों को भी खतरा है क्या? देखिए, ऐसा खतरा वाला बिहार में ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, कानून की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि ऐसा कोई, आप लोग भी दिन में रात में कभी भी पत्रकारिता करते हैं तो कहीं ऐसा कोई खतरा वाला महसूस तो नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को ऐसा खतरा महसूस होता है तो उसके लिए भी एक संस्था है जो देखती है किसे कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है, विधायक को कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है, या अन्य लोगों को जो भी जनप्रतिनिधि है उनको कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उसके अनुसार उसका सुरक्षा नहीं। सर, क्या लगता है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है बिहार में भी? अब एक बार फिर से आप देख रहे हैं सामाजिक सौहार्द क्या बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब तक बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार तब तक बिहार में कोई भी सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ सकता है, इस बात को बिल्कुल आप लोग जान लीजिए। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा न्याय के साथ विकास किया जाता है, ऐसा कहीं है कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है बिहार में जिसके कारण बहुत बड़ा आप लोग को भी खतरा है क्या? आपको भी खतरा कहीं मतलब आपको कोई कॉल वॉल आता हो धमकी वाला? खतरा है लेकिन आप क्या, आपको कोई कॉल तो नहीं आता है ना धमकी वाला? हम लोगों को कोई ऐसा कोई कॉल नहीं आया है, कोई ऐसी बात नहीं है, जितना सुरक्षा मिला है वो पर्याप्त है, अगर उसको घटाया भी जाएगा तो। बिहार सरकार के मंत्री हैं जयंत राज, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने पूरी बातों को सुना है। देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरीके से PFI के जो एक्टिव लोग हैं उन पर छापेमारी की गई है, कई जगहों पर PFI के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब आगे और सूचना जैसे जैसे मिलते जाएगी वैसे वैसे इन आतंकियों पर और कड़ी कार्रवाई जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी पुलिस प्रशासन है, वो करने जा रही है। लेकिन ऐसे में BJP नेताओं को जो धमकी मिल रही है उस पर क्या JDU नेताओं ने कहा, आपने सुना है JDU के नेता जयंत राज क्या कुछ कह रहे हैं। जो सुरक्षा फिलहाल बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते उन्हें मिली हुई है वो पर्याप्त है, ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आपने सुना है हरिभूषण ठाकुर बचौल भी बीते दिनों कह रहे थे, FIR दर्ज कराने पहुंचे थे कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। लेकिन फिलहाल PFI के जितने संगठन के लोग हैं या फिर जितने आतंकी संगठन के लोग हैं उन्हें धर दबोचने का काम बिहार पुलिस कर रही है, NIA की टीम भी बिहार पहुंच चुकी है, तो ऐसे में घबराने की बात नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।